इंडियाज गॉट टैलेंट के 13 फाइनलिस्ट जान पे खेल गए आपका दिल जीतने के लिए। आपने हर परफॉर्मेंस को अपने तराजू पर तोला और लाखों वोट्स के साथ सुना दिया अपना आखिरी फैसला। और रिजल्ट आ चुका है। आज 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने फटेगा पोस्टर, निकलेगा हीरो, देश का सबसे बड़ा हुनर हीरो, जो जीतेगा इंडियाज गॉट टैलेंट का महा 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 प्रेस्टीजियस खिताब, 50 लाख की शानदार रकम और आलिशान मारुति ऑल्टो 800 कार। So welcome to Maruti Suzuki presents India's Got Talent powered by Vimbar Grand Finale. Hunar ka mahayudh aarambh ho. हीरो का सपना सच हो जाएगा और 12 अपने सपने आंखों में लिए लौट जाएंगे। आज हारे कोई भी, जीतेगा सिर्फ हुनर। पर एक्शन से पहले कुछ नाच गाना हो जाए। सो बॉयज एंड गर्ल्स हिट द डांस फ्लोर। इमरजेंसी अलर्ट है, इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर अभी अभी एक जिंदा बॉम्ब पाया गया है। खतरे की घड़ी है, कृपया हिम्मत से काम लें। से क्या डरना, हम आपके साथ हैं जब तक है जान। जब तक है जान। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैन हु कैनॉट डाई, शाहरुख खान। और इंडिया के दो सबसे बड़ी बॉम्बशेल्स कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा। वेल थैंक यू सो मच। वेल आपकी इन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट की ग्रैंड फिनाले को आके और भी ग्रैंड बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। वेल प्लीज टेक योर सीट, जोरदार तालियां फॉर द टीम ऑफ जब तक है जान।
तूने पसंद कर ली? यस यस यस। कौन से वाली? राइट राइट वाली। राइट वाली? भाई मेरी लेफ्ट वाली। देख हम दोनों ने पसंद कर लिया, बोल दे। बिल्कुल बोल दो। कटरीना एंड अनुष्का, हम दोनों की तरफ से हाय। दे आर ब्लशिंग। भाई सिस्टर पॉल। यस। जजेस आ गए हैं। हाँ। मेहमान भी आ गए हैं। हाँ। करोड़ों देखने वाले भी आ गए। एब्सोल्युटली। मगर वो कहा है जिनके लिए धूम मची है भाई? आपके चुने हुए इंडियाज गॉट टैलेंट के 13 प्राउड फाइनलिस्ट, हियर वी गो। हुनर का कोई माध्यम नहीं होता। हुनर की कोई उम्र नहीं होती। हुनर की कोई भाषा नहीं होती। हुनर एक जज्बा है। हमारे सहयोग ने हमारे हुनर को आकार दिया है। हुनर विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रोत्साहन देता है। एक मौके से मिली है हुनर को पहचान। हमारे परछाई ने दिया हमारे हुनर को अस्तित्व। हमारी सभ्यता ही हमारा हुनर है। हुनर समाज की सोच को बदल सकता है। हुनर स्त्री या पुरुष में भेद नहीं जानता। हुनर कहानियों में जान डाल सकती है। हुनर ही देगा हमारे सपनों को उड़ान। फैसले से पहले एक आखिरी बार वन लास्ट टाइम पेश है इंडियाज गॉट टैलेंट के परिंदे तान्या एंड मुकेश एंड एक्रोबैटिक बॉय। Oh,
चारों सर क्या कहना है एक्ट के बारे में? पहले तो जो हरियाणा से बच्चों का ग्रुप है सिरसा से, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, और बहुत डर लगता है बच्चों को ऐसा करते हुए देखकर. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फैंटास्टिक. माई लव एंड प्रेयर्स टू यू. और मेरी दिल की तमन्ना है कि किसी ना किसी जगह पर, कहीं पर तो हमारे देश को रिप्रेजेंट जरूर करो इंशाल्लाह. थैंक यू सर, फैंटास्टिक. एंड तानिया एंड मुकेश, यू गाइस आर फैंटास्टिक. मैं बहुत रोमांटिक हूँ लेकिन मैंने ऐसा रोमांस कभी नहीं किया. मैं यही सोच रहा था कि हस्बैंड वाइफ कपल अगर ऐसा ऐसा कर सकता है तो प्यार कैसे कैसे करते होंगे. बहुत बहुत ही खूबसूरत, और तुम दोनों को देख के पता नहीं क्यों प्यार उमड़ रहा था. और बहुत 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 माशाल्लाह खूबसूरत लगते हो तुम दोनों ही, जो भी करते हो, जैसे भी करते हो. आई थिंक यू गाइज आर एब्सोल्युटली स्टनिंगली ब्यूटिफुल. थैंक यू सर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. किरण जी, क्या कहना है आपका? बहुत कमाल का परफॉर्मेंस था, और आप दोनों जो मिलकर ये परफॉर्मेंस किया ना, उसमें और भी ज्यादा मजा आया. वेल डन. सर, आपको कैसी लगी ये हवा हवाई परफॉर्मेंस? आउटस्टैंडिंग, और क्या कहूं. मैं चाहता हूं मुकेश और ताने, आप दोनों वाकई जिस तरह आपका एक्ट है वैसे ही आप आसमान की बुलंदियां को छू ले. एक्रोबैटिक बॉयज, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की लगन साफ नजर आती है इस मंच पे, और I wish you all the best. Well done and congratulations. Malaika, kya kahengi aap? Bahut 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 maza aaya. Mukesh aur Tanya, I hope you guys win. I wish you all the very best from the bottom of my heart. Sir, main aapki bahut bada fan hoon. Please sir, aapke saath dance karna chahti hoon. Upar hawa mein? Nahi, niche. Main kar sakta hoon hawa mein agar wo ring niche lekar aayenge to. Please, चलो ठीक है, मैं आता हूँ. कैटरीना मैम को भी साथ में लेके आइए सर. कैटरीना मैम, वेल कैटरीना, ये चाहते हैं कि आप भी आए. कैटरीना प्लीज. मैं कहना चाहती हूँ, मुझे सपना जैसा लग रहा है आप लोग सामने. मुझे भी सपना जैसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ मुझे खड़े होने का मौका मिल रहा है सचमुच, क्योंकि इतना टैलेंट है हमारे. मैं
मैं सबको बताना चाहूंगा कि मैंने मैंने खुद अपने करियर की शुरुआत सर्कस में से की थी जी, जी, और वहां पर दो चीजें मुझे सीखने को मिली थी. एक बात मुझे वहां पे किसी ने सिखाई थी, एक लड़की थी बहुत खूबसूरत आपकी तरह और वो एक्रोबैट कर रही थी, चोट लगी जैसे मैंने सुना आपको भी लगी थी और मैं उनसे मिलने के लिए गया हॉस्पिटल के अंदर, उनकी स्पाइन में चोट लगी थी और मैं उनके पास गया तो उनकी सारी फैमिली खड़ी थी और वो सारी फैमिली आई, हमें गले लगे, हंसने लगे और बोला हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही तत्व है, अगर हो गया तो कर्तव्य, गिर गए तो हादसा. और वो मेरी जिंदगी का जेन्युइनली मोटो बन गया है. जी, मेरा अभी तक एक हाथ सीधा नहीं है, टेढ़ा है. अच्छा, यहीं रखो फिर इसे. हाँ, टेढ़ा हाथ मेरे बहुत काम आता है. And I'll tell you, you know, how they used to romance in circuses, you know, they, the girls and boys are kept separately, alag-alag kamron mein ya sections mein rakha jata hai. Toh, jab wo ek item hota tha, jismein ek chota sa bachcha drum ke andar hota tha, you know, pairon ke upar rakhte the usko, toh ladkiyan apna letter us wale bachche ko deti thi, ladke apna letter us bachche ko deti thi, jab wo drum mein baithta tha, toh wo exchange karte the. Aap logon ne bhi aisa kiya circus mein? Ji, 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 hum logon ko bhi aise chala. Hum log bhi aise karte the, letter kisi ko pass. जीते रहे जब तक द्वारा मुझे, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ सर. सर से आपका जब गाना आता है ना, चिकनी चमेली और शिला की जवानी, मैं उलाव करती हूँ आपके गाने पे. नहीं है सर, मूवमेंट करके दिखा दो. Thank you, Katrina. Please take your seat. Zordar Talia, come on. Thank you very much. All right, acrobatic boys, Tanya Mukesh, आप दोनों ने इस मंच पर जमाया सबसे तेज impression. Well, आप जितनी बार हवा में ऊपर गए, इंडिया की सांसें उतनी बार ऊपर नीचे हो रही थी. लेकिन हुनर के आसमान में जगह सिर्फ एक ही है और अब अलविदा कहने की बारी है. आप दोनों में से जो टॉप सिक्स में नहीं है ये हम बताएंगे, लेकिन आप दोनों को ही थोड़ा इंतजार करना होगा जी. तो आप दोनों जरा हौसला बनाए रखिए. थैंक यू सो मच. प्लीज आइए, जोरदार ताली इनके लिए. कम ऑन. पॉल, पॉल भाई, ये मनीष पॉल कहां लापता हो गया भाई. खैर, उनकी बात करते हैं. रोमांस के बादशाह शाहरुख खान. शाहरुख, आपने इंडिया के हर नौजवान को मोहब्बत करना सिखा दिया, इश्क में जीना मरना सिखाया. अब भाई हमारे रोमियो पॉल जो हैं, उन्होंने भी दिल लगाने का अंदाज आप ही से सीखा है.
सो प्रेजेंटिंग इंडियाज गॉट टैलेंट की सुपरहिट लव स्टोरी मनीष और कीरू की प्यारी प्रेम कहानी टेक लुक। ओए होए कितनी खूबसूरत लग रही किरण जी, आप तो कमाल हो मतलब यार। शुरू हो गया। आई लव कौन? बाकी आगे बोलूंगा ना सारा, आज ही थोड़ी बोलूंगा। तू है मेरी किरण। थप्पड़ लगाऊंगी एक। थप्पड़ के कारण ही छीलो एक बार। यार इतनी खूबसूरत कैसे लगती है हर बार यार। किरू किरू, ये गाना मैंने बड़े दिल से गाया। शट अप मनीष प्लीज, ये औरत नाम इतने प्यार से कहते हैं ना, प्यार हो ही जाता है वो। इतना प्यारा नाम और प्यारा लग रहा है इनके मुंह से। मैं जट यमला पगला दीवाना। एक बात कहनी है सच्ची। हाँ जी। आजकल तेरे मेरे प्यार के सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आखिर दिलवाले दुल्हनिया को ले ही गए। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम जागी जागी सी है, फिर भी ख्वाबों में है। कोई कोई जिंदगी नहीं देखा ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और इज्जत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू मुक्का पड़ गया। पॉल वेल डन, अनबिलीवेबल। करण सर देखिए, कुछ हफ्तों से हम सेकेंड हैंड आशिक देखा करते थे, अब ये पहले प्रीमियर पायनियर द ओनली आशिक ऑफ द मूवी इंडस्ट्री आ गए टू क्लेम हिज किरण, सो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है सर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखिए नो ऑफेंस मनीष, लेकिन आप भी जानते हो कि अभी औकात मोहब्बत की सिर्फ शाहरुख खान की है और किसी की नहीं। चलिए सर ये बात मैं मानता हूँ। और मेरा जो है किरण से बहुत पुराना नाता है। साइरस और मनीष तुम दोनों इस शो पे फैंटास्टिक हो। थैंक यू सो मच। इज गुड ना सर? इज गुड, बट दिन भर आपकी तरह बात करते रहता है और लोगों को डराते रहता है एंड गिव्स ऑर्डर्स टू पीपल सर, दिस इज व्हाट ही डज। आप मैं आवाज मेरी तरह बिल्कुल आपकी तरह, ही कॉपीज इट रियली। और आज वो दिन आ गया है पॉल कि तुम सबको सुनाओ। ऐसा सर थोड़ी सी गुस्ताखी, मतलब इफ यू डोंट माइंड यू नो। आई माइंड, बट तू कोशिश कर, हिम्मत है तो सामने करके। और मैं बताऊंगा कि तू क्या गलत कर रहा है। ठीक है सर। कौन सा गला बोलेगा सर? आप बताओ कौन सा। अरे वाह। हाँ मेरी जो ख्वाहिश पूरी की जाएगी सर। कभी करण की फिल्म से कल होना है, उसे बोलो तो जहाँ गलत होगा टपली पड़ेगी। ला गया मैं काम सर। अरे यार सर ऐसे ही होता है। एक मिनट पूरा सुनो, पहले दो लाइनें सुनो उसके बाद टपली। अरे यार मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तुमको देखता हूँ, अरे यार आंखें खोलता हूँ तो तुमको देखता हूँ,
हे तुम मेरी बात समझते हो। I'll do it for you now. Ah, please. क्या लाइन थी? सर थोड़ा फील करके नैना मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखता हूं, आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, जब तुम पास नहीं होती चारों तरफ तुम्हें महसूस करता हूं, मेरे नैना सिर्फ मेरी नैना को ढूंढते हैं। सर अलग हुआ और तुमने क्या कर दिया इन डायलॉग्स का? इस बात पे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं शाहरुख सर आई लव यू टू। जिस तरह आपने इतने इमोशंस के साथ मुझे देख के लाइंस बोली हैं, आई रियली विश मेरा नाम भी नैना ही होता, बट फिलहाल मनीष है। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां फॉर शाहरुख खान। थैंक यू सो मच, थैंक यू किरण जी, थैंक यू वेरी मच। बाला साहेब ठाकरे जी का निधन होने के कारण हम पिछले हफ्ते इंडियाज गॉट टैलेंट के ग्रैंड फिनाले की शूट कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जब तक है जान के सितारों का, जो दोबारा इस मंच पर आए टैलेंट को अपना समर्थन देने। मेरी टीचर और इंडियाज गॉट टैलेंट की ऑनरेबल जज फराह खान आज शूट पर शामिल नहीं हो सकी, पर उन्होंने कंटेस्टेंट्स के लिए अपनी दुआएं भेजी हैं। हमारे 13 फाइनलिस्ट में शामिल हैं दो ऐसे हुनर हीरोज जिनके फैन क्लब में लाखों नाम शामिल हो चुके हैं, एक रेत से कहानियां बुनते हैं तो दूसरे परछाइयों से। रिजल्ट से पहले एक आखिरी बार नितेश भारती और सिल्वेट स्क्वाड की पावर पैक परफॉर्मेंस टेक अ लुक। हुनर की तलाश का सफर हुआ शुरू और साथ ही शुरू हुई सपनों की दौड़, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट वो मंच है जहां सपने बदल जाते हैं हकीकत में। तालियों से स्वागत कीजिए हमारे एंकर्स का मनीष और साइरस साहू का। जोरदार तालियां हो जाए आपकी फेवरेट किरण खेर और मेरी किरणों के लिए छोरी मिस्टर एंटरटेनमेंट करण जौहर और सिजलिंग ब्यूटी मलाइका अरोड़ा खान। हमारी इंडस्ट्री का दिल बहुत बड़ा है और ये शायद ये मंच आपके तकदीर को एक मौका दे। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रो आप कब नाच रहे थे? आपके होंठ ज्यादा नाच रहे थे, पूरा ही जबड़ा नाचने लग गया थोड़ी देर के बाद। वो एक आपका एक छाती का स्टेप दिखाना फिर से मेरे लिए, मेरे लिए। हजारों चले थे यहां पहुंचने के लिए लेकिन कामयाब हुए सिर्फ 40। आज है देश के सबसे बड़े टैलेंट शो का पहला सेमीफाइनल। बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब हमारा मुंह ऐसा खुल जाता है कोई परफॉर्मेंस देख के, एंड आई वाज शॉक्ड इनटू साइलेंस। सो वेलकम टू मारुति सुजुकी प्रेजेंट्स इंडियाज गॉट टैलेंट पावर्ड बाय विम बार फिनाले।
चिराग आउटस्टैंडिंग। मैं फिर दोहराऊंगी कि वेट का डांसिंग से कुछ लेना देना नहीं। जिस पल का सबको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया है एंड द विनर इज क्या बात है यार, सुपर्ब यहाँ पे, सुपर सुपर परफॉर्मेंस। वेल बहुत बढ़िया एक्ट यहाँ पे हुआ। चलिए पूछते हैं हमारे जजेस से, सिल्वेट स्क्वाड एंड नीतीश भारती, आप दोनों ने जो मिलकर ये करा, आई वांट टू गिव यू एन स्टैंडिंग। किस तरह से आपने सैंड आर्ट को शैडो एक्ट के साथ मिलाया और मिलाकर हमें पूरे सीजन की झलक दी, आई लव्ड इट। थैंक यू, लव्ड इट। थैंक्स अ लॉट। और ये लोग तो जो पतले लग रहे थे बहुत दुखी हैं, मैं जो पतली लग रही थी मैं बहुत खुश हूं। मैं और करण बहुत पतले लग रहे थे उसमें। थैंक यू सो मच, सुपर्ब। आप दोनों बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और बहुत अच्छा लगा कि दो अलग किस्म के टैलेंट्स हैं और फिर भी वो दोनों ने उन्हें साथ एक मैजिक क्रिएट किया इस मंच पे। इट फेल्ट फैंटास्टिक। जैसे केके ने कहा, आई फेल्ट वेरी गुड लुकिंग थिन। वो थोड़ा मेरा सपना पूरा हो गया, इवन इफ इट्स इन अ शैडो। वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सिल्वेट स्क्वाड, आपका जो शैडो डांस था, आई वॉज ब्लोन बाय योर शैडो डांस। और आज भी जो आपने किया है नितिश के साथ, आई लव यू गाइज, आई थिंक यू ऑल आर फैंटास्टिक, सो टैलेंटेड। थैंक यू, ग्रेट जॉब। थैंक यू मैम। इतनी खूबसूरत आर्ट फॉर्म दोनों की आपकी, और जिस मेहनत से और लगन से आप इस काम को बढ़ा रहे हैं, अपने स्कूल को चला रहे हैं, मैं आपको सिर्फ दुआएं दे सकता हूं और सिर्फ यही होप कर सकता हूं कि सारी दुनिया आपकी कला को देखे। फिरोज एंड नितीश, यू गाइस आर एब्सोल्युटली वंडरफुल। थैंक यू सो मच। आई थॉट योर एक्ट वॉज सो इमेजिनेटिव, आई डोंट इवन नो व्हाई यू कम अप विद एन आइडिया लाइक दैट। आई थिंक यू गाइस वर एब्सोल्युटली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। नितीश एंड सिल्वेट स्क्वाड, ये आपका परफॉर्मेंस उतना यूनिक था जितना आप दोनों का टैलेंट है, एंड इट ट्रूली इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर थिंग्स आई हैव सीन। सो थैंक यू फॉर दिस लवली परफॉर्मेंस। सर, शाहरुख सर, जो सिल्वेट में हम लोगों ने जो किया, कैन यू प्लीज शो योर सिग्नेचर हमारे साथ में शैडो में सर, प्लीज सर। ओके, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, घर का ये दिल सांस थमने लगी। I have yet to come across one love song कि किसी ने कोशिश ना किया हो यही करना, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह शाहरुख खान ये मूव करता है, सर करेक्ट वो कोई नहीं करता। उन्होंने सिंगल हैंडेडली कॉन्ट्रीब्यूट किया है टू वन मूवमेंट इन इंडियन सिनेमा एंड इट विल बी ऑलवेज बी कॉल्ड द शाहरुख खान स्टैंड। एब्सोल्यूटली। इंडिया वोट कर चुका है और आज हमें मिलेगा हुनर का सबसे बड़ा हीरो, इंडियाज गॉट टैलेंट का विनर नितीश सिल्वेट स्क्वाड। आप दोनों में से एक जीत की दौड़ में शामिल रहेगा और दूसरे की कहानी अभी इसी वक्त खत्म हो जाएगी।
सवाल ये है कि इंडिया ने किसे भेजा है टॉप सिक्स में, परछाइयों को या फिर रेत पे लिखी कहानियों को? और आज जिन्हें मंच छोड़ के जाना पड़ रहा है उनका नाम है सिल्वेट स्क्वाड। आई एम सो सॉरी। एक बार जोरदार तालियां फॉर सिल्वेट स्क्वाड। वेल थैंक यू सो मच सिल्वेट स्क्वाड। लेकिन थैंक यू नितिश भारती, फिलहाल आपके जीतने की उम्मीद सलामत है। वेल रिजल्ट अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, लेकिन तब तक ले थैंक यू सो मच आप लोग, आप खास तौर पे हौसला बना के रखें। एंड थैंक यू सिल्वर स्कॉट, एक बार जोरदार ताली इनके लिए। थैंक यू। टेलीविजन हिस्ट्री के सबसे बड़े रिजल्ट तक हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, झूमते नाचते हुए जाएंगे। एब्सोल्युटली, रिजल्ट से पहले एक आखिरी बार इंडिया के हर कोने से आए बेस्ट ऑफ द बेस्ट डांसर्स का जलवा। We'll be right back.
सुपर कमाल का परफॉर्मेंस था. वेल दिस इज एक्चुअली द ग्रैंड फिनाले परफॉर्मेंस. तो सबसे पहले शाहरुख सर आप क्या कहेंगे? जस्ट वन वर्ड, फैंटास्टिक ऑल ऑफ यू. बहुत 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 खूबसूरत हैं आप सबके सब. और शिराज आप दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की मैंने अगर कहीं देखी है तो आप. आई थिंक आई डोंट नो, इट्स अ फैमिली शो, बट यू आर द सेक्सीएस्ट लेडी आई हैव सीन इन माय लाइफ. थैंक यू सो मच फॉर डांसिंग सो वेल. एंड मरगम, दिपलव और ओशन किड्स, एब्सोल्युटली वंडरफुल. और द टैलेंट यू हैव, I only can pray and wish that you reach the greatest heights the world has ever seen. And of course, the little babies, Sumant and Sonali. आपके बारे में जो भी कहूँगा तो ऐसा लगेगा कि छोटा मुंह बड़ी बात. आप बहुत 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 बड़े कलाकार हैं. I wish you all the best and it was absolutely marvelous. It's a great evening. I'm having too much fun watching you all dance. Fantastic it is. I think for me the most special parts of the performance, because I find it interesting, was Shiraz. You know, it's a really important thing, I think, what you're doing and what you're saying, that dancing is not about, you know, just how your body looks, but about the attitude you have and how you do it. And I mean, that for me was amazing. I think next time I do a song, will you come with me and practice? Will you come and rehearse with me? Thank you. Then I can get some of your style, because I think it was amazing. And the little girl is the most beautiful little thing I've ever seen. And you're so talented. You are unbelievable, out of this world. And good luck to all the rest of you. You guys were all amazing. आप सब अपनी अपनी डांस फॉर्म्स में ब्रिलियंट थे. आई थिंक जब इतने सारे लोग साथ साथ नाचते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कहीं पे भी एक पे भी आउट ऑफ सिंक नहीं था. शिराज यू आर वेरी हॉट एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट. एंड अ स्पेशल मेंशन टू द टू ऑफ यू, सोनाली एंड सुमंत. यू नो एक म्यूजिक बॉक्स होता है ना, जब वो खुलता है और दो छोटे से डॉल्स नाचने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ, आप दोनों एग्जैक्टली वैसे लग रहे थे. सो सो ब्यूटिफुल. मैं ऐसे लग रहा है कि मैं इस स्कूल कॉलेज की या स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और पेरेंट्स डे है और बहुत लोग आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेरेंट्स भी आए हैं और वो जब इन बच्चों की तारीफ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है. वेल डन. आज मुझे जो अच्छा लगा कि सारे बहुत ही स्पेशल कंटेस्टेंट्स हैं, सारे फाइनलिस्ट हैं. टुडे जस्ट फेल्ट कि ये एक इंडियाज गॉट टैलेंट का परिवार है और परिवार एक्चुअली राजश्री प्रोडक्शंस की तरह साथ साथ है आज टुडे. सो इट फेल्ट वेरी गुड. काफी हफ्तों के बाद मैं फिर से आ रही हूँ यहाँ पे इस मंच पर और ऐसा लग रहा है कि पहले एपिसोड से और आज इस ग्रैंड फिनाले तक You guys have grown from strength to strength. You all have become fantastic. You all are true deserving finalists for this grand finale. Thank you. Kya baat hai waise? Aapne se Malaika hamare bare mein baat nahi kari. I know. It's all is good. Never mind. Waise aaj yahan pe gaane bahut acche hue, you know, especially GRA GIA. You remember that song? Yes, I was. And you remember the song Yes. And you remember that beautiful girl in that song? Stunning. You know, the good part is wo yahin pe hai. तो शाहरुख सर ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ पे और मैं उन्हें लेके आया. Are you saying I'm that beautiful girl? सर मैं फिलहाल तो इनकी बात कर रहा था. अगर Oh.
इन सारे कलाकारों के लिए. थैंक यू वेरी मच. ये सब के सब यहां नाचते हुए कदमों से आए थे, लेकिन अब वापस जाने की बारी. एक और फैसला, आप पांचों में से कोई दो आज टाइटल के बहुत करीब आकर भी खाली हाथ लौट जाएंगे. ओशन किड्स, विवाश, डिप्लव, शिराज, मार्गम, आप में से दो को इस मंच को छोड़ के जाना होगा. और वो नाम है मरगम डांस एकेडमी, और वो दूसरा नाम है शिराज ईरानी. वेल, मार्गम एंड शिराज, वेल आप दोनों का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं. एक बार जोरदार तालियां फैलें. कम ऑन. मरगम, सारी जो छोटी बच्चियां हैं, इस उम्र में इस मुकाम पर पहुंचना, आई थिंक दैट इट सेल्फ इज विनिंग. सो गॉड ब्लेस यू इन ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स दैट यू हैव. एंड शिराज, अच्छा हुआ कि आप जो हैं यहीं पर, आपकी जो रन है खत्म हो गई, क्योंकि मुझे आपको घर ले जाना है. मैंने आपसे अच्छा नाचने वाला दुनिया में नहीं देखा. सर, यू आर अ बिग विनर. एंड फॉर द बिलीफ यू हैव, यू नो आई वॉज इन थिएटर, और मुझे सब लोग बोलते थे मैं पिक्चरों में काम नहीं कर सकता, मैं खूबसूरत नहीं दिखता, मुझे एक्टिंग नहीं आती, लेकिन मैं उस बिलीफ के साथ चलता रहा. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी जैसी हैं. सो इंशाल्लाह आपको जिंदगी में वो सब मिले जो खुदा ने और ऑडियंस ने मुझे दिया है. थैंक यू शिराज एंड थैंक यू मार्गम. जोरदार तालियां. थैंक यू मार्गम. फिलहाल आपके जीतने की उम्मीद जो है वो बिल्कुल सलामत है, तो आप लोग बिल्कुल हौसला रखें, आपका रिजल्ट थोड़ी देर बाद बताया जाएगा. थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए. इंसान की जरूरत, उसका जुनून, उसकी हवस कब अपराध का मकसद बन जाए कोई नहीं जानता. कुछ समय पहले टैक्सी ड्राइवर्स के एक गैंग ने किया 250 लोगों का कत्ल. दिल दहलाने वाली सच्ची वारदातों पर आधारित शैतान, अ क्रिमिनल माइंड, जरूर देखिए ये नया शो 1 दिसंबर सैटरडे संडे रात 10 बजे सिर्फ कलर्स पर. दो महीने में इंडियाज गॉट टैलेंट के कंटेस्टेंट्स को जनता ने इतना प्यार दिया जो दो जन्मों में नहीं मिलता. पर जनता ट्रॉफी किसके हाथ में देगी? कौन कंधों पर बैठकर उन गलियों में घूमेगा जो इनके इंतजार में सजी है? इंडिया वोट दे चुका है. देश का फैसला सुनने के लिए वापस लौट के आइए ओनली ऑन मारुति सुजुकी प्रेजेंट्स इंडियाज गॉट टैलेंट पावर्ड बाय विम्बार ग्रैंड फिनाले. आप भी अक्सर स्टेशन से घर जाने के लिए टैक्सी लेते हैं. कुछ साल पहले टैक्सी ड्राइवर्स की एक गैंग ने किया 250 लोगों का कत्ल. मानिए या ना मानिए, मगर यूपी की इस टैक्सी में जो सवार हुआ वो कभी वापस नहीं लौटा. ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची वारदातों पर आधारित शैतान, अ क्रिमिनल माइंड, 1 दिसंबर से हर शनिवार और रविवार रात 10 बजे सिर्फ कलर्स पर. अनुष्का बैठी हैं, कटरीना बैठी हैं, तुम लोग जो चूज कर रहे हो करण जौहर के साथ मुझे डांस का, मतलब शर्म नहीं आई है तुमको? में से वो दो फाइनलिस्ट जो इंडियाज गॉट टैलेंट जीतते जीतते रह गए, जो टॉप 6 में नहीं है, वो हैं
Welcome back to Maruti Suzuki presents India's Got Talent powered by Vim Bar. Grand finale, jahan lehraya jayega hunar ka parcham. India's Got Talent में जो आवाज दिल से निकली वो दिल तक पहुंची. रिजल्ट सुनने से पहले सुनिए सच्चे सुरों की गूंज एक आखिरी बार. पेश है इंडियाज गॉट टैलेंट की तीन बुलंद आवाजें. ये चंचल भारती, तोशान दीपराज और उनकी गायकी में चार चांद लगाने के लिए आ रही हैं सुरों की शहजादी ऋचा शर्मा. किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना. देख लो थर तो एक बार मैं हूं ना. क्या बात है, वाह वाह वाह.
Wow! Well, इन तीनों के लिए तो जोरदार तालियां हो गई, साथ ही में जोरदार तालियां हो जाए और ऋचा शर्मा. थैंक यू सो मच मनीष. एंड सबसे पहले तो इन तीनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि वो फाइनल्स में पहुंचे हैं, और शुभकामनाएं भी आप सभी को मेरी ओर से. थैंक यू. शाहरुख सर. थैंक यू वेरी मच चंचल जी. एंड थैंक यू तोशांत. बहुत खूबसूरत तुम गाते हो. जो तुम गाते हो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे मालूम है बहुत खूबसूरत है, बहुत प्लेजेंट साउंड करता है. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड चंचल जी, मैं कवाली का बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं साबरी ब्रदर्स के टाइम से दिल्ली में सुनता आता था. एंड सो इट्स वंडरफुल दैट यू आर कीपिंग दिस आर्ट फॉर्म अलाइव. सो गॉड ब्लेस यू एंड योर होल ट्रूप एंड कीप डूइंग दिस अमेजिंग वर्क. थैंक यू. एंड दीपराज, तुम तो बहुत ही कमाल हो यार. फैंटास्टिक गाते हो, बहुत खूबसूरत गाते हो, दिखते भी अच्छे हो. एंड आई हर्ड फ्रॉम किरण जी दैट तुम्हारा ऐसा ड्रीम है कि तुम अपने पिताजी के लिए एक गाड़ी उनको गिफ्ट करो. सो इफ यू डोंट माइंड मी स्टेपिंग इन टू दिस प्लेस, आई लाइक टू गिफ्ट द कार टू यू सो दैट यू कैन गिव इट टू योर फादर. सो प्लीज टेक इट बैक होम एंड गॉड ब्लेस यू एंड डू वेल. थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियां हो शाहरुख खान. थैंक यू. ये तीनों जो हैं इस मंच पे मेरे बहुत फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं. दीपराज जिसकी बुलंद आवाज है, वाकई बुलंद आवाज है. चंचल भारती जी, सलाम करता हूं मैं आपको, आपकी हुनर को और आपकी आपकी हिम्मत को. एंड तोशांत टू यू माय डियर, what you do no one does in this country. You sing opera and sing it so beautifully and poetically, and I wish you all the power in the world, and I hope you go places truly. So you were all fantastic. Lots of love. God bless. मैं बहुत ही सैड हूँ कि आज यहाँ से कोई जा रहा है. काश आप तीनों यहाँ रह सकते हैं. I'd be very very happy. But I wish you all the very best and lots of love. But I think it needs a certain level of perseverance and guts to follow a profession which is so unique and actually doesn't exist in our country. Deep Raj. तुम अनबिलीवेबल हो यार. मतलब इफ यू डोंट बिकम अ सिंगर व्हेन यू ग्रो अप देन आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड. भारती जी, आपका पूरा ग्रुप, आप बहुत फैंटास्टिक थे. ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू. देश की तीन सबसे बेहतरीन आवाजें, आप तीनों में से किसी एक की विदाई का वक्त अब आ गया. तो किसे गुड बाय कहा है इंडिया ने, तोशान की अनोखी गायकी को या चंचल भारती के मजबूत इरादों को या फिर दीपराज की बुलंद आवाज को? वो कंटेस्टेंट जो टॉप सिक्स में नहीं है वो है चंचल भारती. चंचल भारती जी, इंडियाज गॉट टैलेंट का सफर अब यहां खत्म हो गया, मगर आपकी आवाज का सफर जारी रहेगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो एंड शेयरिंग योर टैलेंट विद अस. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. आज हम फाइनल के इस मंच पर खड़े हैं, इसके लिए लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है. सो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच चंचल भारती जी. दीपराज एंड तोशान, वेल फिलहाल आपके जीतने की उम्मीद सलामत है. रिजल्ट थोड़ी देर में पता चल जाएगा, फिलहाल आप अपना हौसला बनाए रखें. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू चंचल भारती जी. एंड जोरदार तालियां. यार मिकी, अपनी केमिस्ट्री जमी नहीं दोस्त. करेक्ट बोला कुकी. यार कितनी हमने कोशिश की है, यू नो, एक दूसरे पे जोक्स मारे, एक दूसरे की बेइज्जती करी, यू नो, एक से बढ़कर एक छिछोरी हरकतें करी, लेकिन यार हम टेलीविजन के जय विरू बन नहीं पाए. पर गलती हमारी नहीं है यार, गलती फरा और करण की है यार. Correct. इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी तकड़ी थी कि हमारी तरफ कोई पब्लिक भी देखता ही नहीं था. हाँ, लेकिन आप इनको देखो यार. आइए, आपका इंतजार था. हम साथ साथ हैं. पारा तो एकदम निकल पड़ी. प्यार के मोहर करण जो. हाँ हाँ, मेरी कमसिन कली ही. बड़ी चली. करण जौहर के बाजू में बैठती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता वैसे भी. और मैं फारा खान के सामने बैठता हूँ और मुझे बहुत डर लगता है. कहते हैं
है मर्द को दर्द दो बार होता है, एक जब उनकी शादी होती है और दूसरा जब वो फारा खान के साथ नाचते हैं। और तीसरी बार मर्द को दर्द अब होगा। जानता हूँ कि जिस तरह का सफर होता है हमारे शहर में इस देश में। करण बहुत ट्रैवल कर चुका है ना लोकल ट्रेन्स में, इसलिए वो ही विल आइडेंटिफाई विद देम। करण को साइलेंस करना बहुत बड़ा काम होता है जो आप लोग ने किया है। मैं चाहती हूँ आप हर एपिसोड में आए और ऐसे ही परफॉर्मेंस दें। पांच मिनट तो ये चुप बैठेगा। झगड़ता है, बिगड़ती है, दीवाना है, दीवानी है, ये लड़की है दीवानी, है दीवानी, 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 ये लड़का है दीवाना, है दीवाना, 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 दीवाना। क्या बात है करण सर, मतलब माइंड ब्लोइंग टाइमिंग, कमाल, कैसे करते हैं आप ये इतनी अच्छी दोस्ती, इतना गहरा प्यार, कैसे सर? हो जाता है मनीष, प्लान नहीं किया जा सकता ये। सर आप ये मेरी तरफ देख के क्यों कह रहे हैं ऐसे? बस कुछ 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 होता है मनीष, तुम नहीं समझो। क्या बात है सर। वैसे देखिए आज फरा अभी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल, लेकिन शाहरुख के साथ भी आपकी उतनी गहरी दोस्ती, उतना ही गहरा प्यार है, है ना शाहरुख सर? आप क्या कहना चाहेंगे? फरा और करण से मेरा बहुत प्यार है और बहुत सालों से प्यार है। मेरे, मैं क्या बोलूँ, भाई समान हैं, दोस्त समान हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ व्हाट आई एम इन दोनों के ऊपर से मुझ पे रब ऑफ हो गया है। तो आई थिंक इफ इट वाजंट फॉर दीज टू आई वुड नॉट बी वेयर आई एम। सो या अपार्ट फ्रॉम द लव एंड गुडनेस एंड द प्रोफेशन दे हैव गिवन मी, बहुत लगाव है और बहुत गहरा प्यार है। क्या बात है सर। सर इसी गहरे प्यार के साथ हम इतनी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर, आप दोनों का डांस हो जाए एक स्टेज पे, क्या कहते हैं सर? तुम लोगों को शर्म नहीं आती है यार? मैं कर लूंगा, मतलब मैं कर लूंगा, ऐसा कोई मुझे कुछ बुरा नहीं है। हाँ। इनके साथ जी सर। मेरी किस्मत देखो, मैं इंडियाज गॉट टैलेंट पे आता रहता हूँ बार बार। ये सब तुम मेरे साथ करते हो फिर भी आता रहता हूँ हर काम। अनुष्का बैठी हैं, कटरीना बैठी हैं, तुम लोग जो चूज कर रहे हो करण जोहर के साथ मुझे डांस का, मतलब शर्म नहीं आई है तुमको? सर आपने देखा नहीं इनका राधा पे डांस सर? कमाल सर। सर यू हैव टू सी दिस शाहरुख सर, इट इज अमेजिंग। आप दो मिनट देखिएगा सिर्फ, देन जॉइन हिम, कम ऑन सर, लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर शाहरुख खान एंड करण जोहर। लवली आई ओनली कम इन ऑल द गर्ल्स कम विद मी। सर पहले आप लोग आएंगे फिर वो आएंगे सर? चलो बट मैं चलो बट कल बात करेंगे। चलो आप आओगे तो मैं हम शाहरुख चलो खड़े हो गए। We love you all. फिर खड़े हो। Yes.
भाई पार्टनर पॉल यस यार, जाते जाते हमें पब्लिक को थैंक यू तो बोल ही देना चाहिए यार। क्यों? बड़े भले लोग हैं यार हम दोनों इस शो पर हैं दोनों के दोनों यस, इसके बावजूद पब्लिक ने ये शो देखना बंद नहीं किया। वो इसलिए कि हम जैसों को बैलेंस करने के लिए यहाँ कमाल का टैलेंट था। एक से बढ़कर एक सिंगर, डांसर, एक्रोबैट और अपना टैलेंट स्कैन ग्रुप यार। बिल्कुल यू आर राइट पॉल, रिजल्ट एकदम तैयार है, लेकिन उससे पहले तैयार है मुंबई का टैलेंट स्कैन ग्रुप एक आखिरी बार आपको एंटरटेन करने के लिए, आपकी इमेजिनेशन को आकार देने के लिए। प्रेजेंटिंग टैलेंट का 100 गुना दमदार नजारा, टैलेंट स्कैन ग्रुप। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरे गांवों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो आप करते हो बहुत यूनिक है, और आज जो किया वो वाकई टू द फिल्म फ्रेटर्निटी विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल, सो थैंक यू। ऑलराइट मलाइका, देयर इज ओनली वन वर्ड फॉर टैलेंट स्कैन और वो है ट्रूली यूनिक। टैलेंट स्कैन, आप आज इस मंच पर जीते जागते जिग्सॉ पजल की तरह आए। इट वॉज ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा लगा, वेल डन। इट्स माय प्रिविलेज एंड ऑनर कि मैं आप लोगों को लाइव देख सका, और जब तक है जान वाला अच्छा था, थोड़ा अनुष्का और कटरीना सुंदर नहीं लग रहे थे, मैं ही सुंदर लग रहा था। बट रियली मार्वेलस, गॉड ब्लेस यू एंड कीप डूइंग दिस ग्रेट स्टफ। Anushka thought that Mother India poster was Jab Tak Hai Jaan. She just would like to say, Mother India poster was coming together. You could see the cross and she's saying, Jab Tak Hai Jaan, Jab Tak Hai Jaan. At your face, at your face. Anushka. Look at that. Who's that? That's Katrina, right? Right on top over there. That's her face, right? No, it's not me. It's Mother India. I guess. Lao bhai. Who just picked that up? Pick that up, please. Actually, expression Katrina. Mother India.
नहीं नहीं देयर राइट एक्सप्रेशन कैटरीना वाला ही है देखिए इट्स द सेम थिंग इट्स सिमिलर ना पोस्टर विद हर एक्सप्रेशन अनुष्का आई एम विद यू शाहरुख प्लीज टेक अप मेरे को तो ये शौक हो गया हूं मैं कि कैटरीना को मदर इंडिया अंग्रेजी पिक्चर समझ रही होगी वो I was right. She was wrong. I think you should be flattered, Katrina. She was wrong about the second one. चलो नारायण नारायण दो हीरोइनों में फूट डाल दी हमने भाई चलो रिटायरमेंट हो चुकी है चलो वी आर फाइटिंग ओवर फिल्म्स हाउ ओरिजिनल टैलेंट स्कैन ग्रुप आपका फैसला हो चुका है इंडिया वोट्स दे चुकी है लेकिन इंडिया ने आपको आगे बढ़ने की इजाजत दी है या नहीं तो टैलेंट स्कैन ग्रुप क्या आप हैं वो हुनर हीरो जिसे हिंदुस्तान मानता है इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीतने का हकदार 100 कलाकारों की किस्मत में क्या लिखा है 125 करोड़ देशवासियों ने टैलेंट स्कैन ग्रुप आप लोग टॉप 6 में नहीं है यानी आपका सफर आज यहीं पर खत्म होता है थैंक यू ऑल सो मच थैंक यू एवरीवन गॉड ब्लेस यू थैंक यू गॉड ब्लेस थैंक यू मानसिक असंतुलन जब यह अपराध का रूप लेता है तो क्या हो सकता है कोई सोच भी नहीं सकता एक बेटे ने मानसिक संतुलन खोया और किया अपने ही परिवार का खात्मा ऐसी ही दिल दहलाने वाली सच्ची वारदातों पर आधारित शैतान अ क्रिमिनल माइंड जरूर देखिए एक नया शो 1 दिसंबर से सैटरडे संडे रात 10 बजे सिर्फ कलर्स पर आप भी अक्सर स्टेशन से घर जाने के लिए टैक्सी लेते हो कुछ साल पहले टैक्सी ड्राइवर्स की एक गैंग ने किया 250 लोगों का कत्ल मानिए या ना मानिए मगर यूपी की इस टैक्सी में जो सवार हुआ वो कभी वापस नहीं लौटा ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची वारदातों पर आधारित शैतान अ क्रिमिनल माइंड 1 दिसंबर से हर शनिवार और रविवार रात 10 बजे सिर्फ कलर्स पर I really want to dance to Chaiya Chaiya with Malaika. India's Got Talent ke winners. Unka naam hai Presents India's Got Talent powered by Vim Bar. Grand finale jahan lehraya jayega hunar ka parcham. Result bilkul taiyar hai. Bahut hi jald hum jaan jayenge ki aapne kise chuna hai India's Got Talent ka vijeta. Lekin yaar ye Cyrus pata nahi kahan gaya. Khair usko chhodo yaar. I've got a surprise for you. Queen of Dance Malaika Arora Khan. Jo mar bhi main bhool gayi. तेरे लिए अरे मैं तो सब कुछ भूल गई जाने जा तेरे लिए तो फिर क्या हुआ अरे छोड़ झाड़ गए अपने सलीम की गली Thank you.
मलाइका, आई थिंक यू वर सुपर्ब एज ऑलवेज. सारे साहूकार देखो इतने इंप्रेस थे शाहरुख सर, मैं सबसे पहले उन्हीं से पूछना चाहता हूँ सर क्या कहेंगे इस कमाल की परफॉर्मेंस के बारे में. मलाइका से खूबसूरत, हसीन और इतनी अच्छी डांसर, और मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो छैया छैया है वो जो कुछ भी है ना, ट्रेन की वजह से है ना, मणिरत्नम साहब की वजह से है ना, फारा खान की वजह से है ना, मेरी वजह से है, सिर्फ मलाइका अरोड़ा खान की वजह से. My only desire is to come back and dance with Malaika again on Chhaiya Chhaiya. So this one I'm insisting on. I really want to dance to Chhaiya Chhaiya. Wow, sir, ho jaye. And tum dono train ki patriyon ki tarah side mein khade rahe. Okay? Tum niche down the side. Shahrukh sir, thank you for the lovely dance. Zordar thank you so much. For thank you very much. And Malaika. इंसान का दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन इस वक्त की गिनती बदल चुकी है. एक तरफ मलाइका ने आपकी धड़कनें बढ़ाई और दूसरी ओर आने वाले रिजल्ट ने हमारे आखिरी 8 हुनर हीरोज को. जी हाँ, हमारे पास हैं वो दो नाम जो जीत के बहुत पास हैं, फिर भी बहुत दूर. आप में से वो दो फाइनलिस्ट जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीतते जीतते रह गए, वो जो टॉप 6 में नहीं हैं, वो हैं टिपलव, और दूसरा नाम है ओशन किड्स. सॉरी आप लोग टॉप 6 में नहीं है, बट थैंक यू सो मच आप यहां तक आए इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देने के लिए. एक बार जोरदार तालियां बजाएं दोनों के लिए प्लीज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अब इस मंच पर बचे हैं 6 हुनर हीरोज, लेकिन हिंदुस्तान ने अपने वोटों से चुना है सिर्फ एक विजेता. तो कौन है वो एक? तोशान, तानिया मुकेश, सुमंत एंड शनाली भिवाश एकेडमी ऑफ डांस, दीपराज, नितिश भारती या एक्रोबैटिक बॉयज? आखिरी फैसला इस ब्रेक के फौरन बाद. ओनली ऑन मारुति सुजुकी प्रेजेंट्स इंडियाज़ गॉट टैलेंट पावर्ड बाय विम बा ग्रैंड फिनाले. आप भी अक्सर स्टेशन से घर जाने के लिए टैक्सी लेते हैं. कुछ साल पहले टैक्सी ड्राइवर्स की एक गैंग ने किया 250 लोगों का कत्ल. मानिए या ना मानिए, मगर यूपी की इस टैक्सी में जो सवार हुआ वो कभी वापस नहीं लौटा. ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची वारदातों पर आधारित शैतान अ क्रिमिनल माइंड 1 दिसंबर से हर शनिवार और रविवार रात 10 बजे सिर्फ कलर्स पर. 2012 इंडियाज़ गॉट टैलेंट के विनर्स उनका नाम है
Welcome back to Maruti Suzuki Presents India's Got Talent powered by Vimbar. Grand finale, jahan lehraega hunar ka parcham. Ek faisla, jiske piche hain che takdeerein. Barson ki tapasya, karodon chahne walon ki prarthnaein. Pehle wo do naam, jo India's Got Talent nahi jeet paaye. Aur wo pehla naam hai. Acrobatic Boys. और वो दूसरा नाम तोशान. Acrobatic Boys और तोशान, आपके टैलेंट पर किसी को कभी शक नहीं था, लेकिन टाइटल किसी एक को ही मिल सकता है. So all the very best for the future और thank you so much for being on the show. Thank you. तोशान, all the best. I'm sure aap bahut aage tak jayenge and I hope all your dreams come true. I'll just say something, ma'am. Thank you for giving me this opportunity to showcase my talent and to show India what opera is about, and thank you so much for listening to it and appreciating it. So thank you. Thank you so much, Tushar. Thank you. Thank you. Suna hai insaan jitni unchai se gire chot utni gehri lagti hai. Ab hamare paas wo ek naam hai जो जीतते जीतते रह गए. वो हुनर हीरो जिसके लिए इंडियाज गॉट टैलेंट जीतने का सपना बस सपना ही रह जाएगा, वो है नितिश भारती. बोल नितिश, आप हारे नहीं हैं, बस इतना कहूंगा आप जीतते जीतते रह गए हैं. इंडियाज गॉट टैलेंट आपको हमेशा याद रखेगा. जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीवन जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, यहाँ तक सपोर्ट किया और ये एक इतना बड़ा मंच उपलब्ध करके दिया मैं अपने टैलेंट को पूरे देश के सामने रख सकूं. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स टू एवरीवन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. थैंक यू नितिश. दीपराज, विवाश डांस एकेडमी, तानिया और मुकेश, इस वक्त इन सबके मन में क्या चल रहा है? याद आ रहा है वो पहला ऑडिशन, जजेस की शाबाशियां, अपने सपने. याद आ रहे हैं वो वादे जो इन्होंने अपने घर वालों से किए थे, ट्रॉफी जीत के ही वापस आएंगे. सिर्फ इनको नहीं, इनके फैंस को, इनके वोटर्स को ये पल जिंदगी भर याद रहेगा. हम चाहेंगे कि शाहरुख सर प्लीज मंच पे आए और इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला इन्हें सुनाए. प्लीज लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर शाहरुख खान. सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष की तरफ से जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे, कंपेटिटर्स थे, उन सबको बहुत बहुत मुबारक और शुक्रिया कि आपने पूरे देश भर को इंडियाज गॉट टैलेंट के माध्यम से इतनी खुशी पहुंचाई, इतना एंटरटेनमेंट पहुंचाया. तीनों के तीनों जो यहाँ पे जज हैं इस वक्त, मलाइका, करण एंड किरण एंड फारा जो यहाँ पर नहीं है, सबके सब का बहुत 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 धन्यवाद. हमारी नजर में, पूरे देश भर की नजर में आप 100% विजयी हैं. सो थानिया, मुकेश, सुमंत एंड सोनाली और दीपराज, 2012 इंडियाज गॉट टैलेंट के विनर्स. सुमंत और सोनाली, ऑलराइट सुमंत एंड सोनाली, कांग्रेचुलेशंस. वेल सुमंत, क्या कहना है आपका? अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और इतने बड़े मंच के विजेता बने, इसका मैं पूरा हक हमारे सर को देना चाहता हूँ. सो प्लीज उनको आप स्टेज पे बुलाएं, प्लीज सर.
तोशान जी क्या कहूँ, मेरे लिए ये तीनों ही विनर्स हैं, बिकॉज ये तीनों ही मेरे फेवरेट्स थे फॉर दिस प्लेस। बट सोनाली बहुत खुश हूँ, भगवान करे तुम्हारे घर में अब बिजली भी लग जाए और टेलीविजन। करण सर आप हिंदुस्तान ने आपको सही चुना और आई एम वेरी ग्लैड कि इस साल इस पर्टिकुलर सीजन में जो तीन लास्ट थ्री में आ गए हैं दे आर द मोस्ट डिजर्विंग द मोस्ट टैलेंटेड दे आर ऑल विनर्स फॉर मी गॉड ब्लेस यू। मलाइका आप क्या कहेंगी? आई विश यू बोथ ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेल आई हैड द बेस्ट टाइम ऑन इंडियाज गॉट टैलेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मलाइका। कैटरीना अनुष्का, जिस ट्रॉफी के लिए इन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया है, हम चाहेंगे कि वो ट्रॉफी आप दोनों इन्हें दें। सो प्लीज ग्रेस द स्टेज, प्लीज कम ऑन। मंच तक ये आए थे अपने पैरों पर चल के, लेकिन जाएंगे आलीशान मारुति ऑल्टो 800 में चढ़ के। मैं प्लीज हैव मिस्टर मनोहर भट्ट, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑन स्टेज प्लीज। मुकेश और तानिया, आपके फौलादी जज्बे को एंड ऑफ कोर्स आपके हुनर को कलर्स की तरफ से मिल रहा है 5-5 लाख रुपए का इनाम। इसी के साथ हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे जब तक है जान की टीम, शाहरुख सर, अनुष्का एंड कैटरीना फॉर बीइंग हियर। हमारी ग्रैंड फिनाले को और ग्रैंड बनाने के एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी वेरी मच। और स्टार वही जिसे आप चाहें। आपकी चॉइस को सलाम करेगा इंडिया का पहला पीपल्स चॉइस अवार्ड। बॉलीवुड के स्टार्स, सुपरस्टार्स, मेगास्टार्स से सजी एक सेंसेशनल शाम कल रात 9 बजे ओनली ऑन कलर्स। पब्लिक जिंदाबाद, बाकी सब उसके बाद। यह yeah, yeah.